Hi, today's Sarkarnama is about show-off-nama. यानी वो लोग हैं जो show-off के बिना लघु शंका भी नहीं जा पाते। ये वो लोग हैं जो दोस्तों को बताते हैं कि उन्होंने रात को exotic steamed fine long green white rice handpicked in the emerald green lap of the Vindhyas, accompanied by a golden lentil soup that was gently simmered over the smoldering kisses of angels. खाया था क्या खाया था? Gently simmered over the smoldering kisses of angels. असल में ये लोग दाल चावल की बात कर रहे होते हैं। अगर इनका जीवन 100 साल का होता है तो ये कुल मिलाकर 125 साल दिखावे में ही निकाल देते हैं। ये लोग अंडरवियर भी कुछ ऐसे पहनते हैं कि पैंट के ऊपर उसका लेवल साफ नजर आए, ताकि कोई ना कोई उनसे पूछ ही ले और ये कूल होते हुए बताएं, यू नो दिस वर्साची का अंडरवेयर मैंने मिलान की दुकान से जॉगिंग करते हुए लिया था। आप जरूर ऐसे किसी जनाब को या मोहतरमा को जानते होंगे, कहीं आप ही तो वो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आप पर कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे फ्लॉन्ट करने वाले लोगों के सींग थोड़े ही होते हैं, वो भी हम जैसे ही नजर आते हैं। हाँ, बस इनके कपड़ों के बैच, ब्रांड और लोगो दूर से ही नजर आ जाते हैं। ये बीमार भी पड़ते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते हैं कि जहाँ का कैफेटेरिया 5 स्टार हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में ऐसे लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बीमार होते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी पहचान इनके मोबाइल के ब्रांड, जूतों के दाम और कपड़ों के टैग पर टिकी होती है। जितना महंगा सामान, लोग उतना ही उन्हें स्वीकार करेंगे। अरे, महंगे कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इन्हें सिर्फ इसलिए पहना जाए ताकि दूसरे उसकी तारीफ करें, तो फिल्में देखकर अमरीकी एक्सेंट में बात, क्वालिटी से ज्यादा रेट की बात, शो ऑफ शौक नहीं बीमारी भी है। मैं एक शख्स को जानता हूं जिसने अपने दूर के रिश्तेदार की शादी में धौस जमाने के लिए 5 लाख का पर्सनल लोन लिया, फिर 5 लाख के कपड़े सिलवाए और 5 साल तक कर्ज चुकाते रहे। सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं जिन्हें सिर्फ उधार की चमक दमक चाहिए, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन ये लोग भी आसपास वालों से तारीफ की भीख मांगते हैं। अगर महंगा खरीदा है तो अपनी मर्जी से या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, यानी असली पैसों से भी नकली तारीफ की भूख। ऐसे लोगों को लगता है कि उन्हें वैलिडेशन मिलेगा तो सिर्फ दूसरों से। जब तक आसपास के लोग तारीफ न कर दें, तब तक कैसे हो पैसा वसूल? कुछ दूसरों को जलाने की होड़, कुछ उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश, कुछ इस कॉकटेल के नशे में आता है फेक ईगो। क्या आता है? फेक ईगो, जिसमें सामने वालों का अस्तित्व धुंधला नजर आता है। खुद दूसरों से 4 इंच ऊंचे नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई एकदम ऑपोजिट। खाना पीना क्या खाया है? अरे भाई, खाना पीना क्या खाया है? कहां से कपड़े लाए हैं? लाइफ का एक एक हिस्सा फ्लॉन्ट करके बताते हैं। क्या करते हैं? लाइफ का एक एक हिस्सा फ्लॉन्ट करके बताते हैं। नेकी की तो उसकी फोटो, दोस्त मिले तो उसकी पिक्चर, 15 अगस्त पर बदली डीपी, किसको ये सब जताते हैं? हॉलो जिंदगी, शैलो फीलिंग्स, किससे तुमको कंपटीशन है? सच्ची झूठी जैसे भी मिले, तारीफ ही बस एक मिशन है, तारीफ ही बस एक मिशन है। जरा सोचिए, अरे भाई जरा सोचिए,
एक करोड़ की गाड़ी से रास्ता तो नहीं बदल जाएगा, और भगवान ने आपको इतना दिया है तो सोचिए कि भगवान ने मेहरबानी की है, कोई फिरौती नहीं दी है, समझे, कोई फिरौती नहीं दी है। आप दूसरों पर रौब जमा सकते हैं, बाकी सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा भी देखिए, अपने आप को धोखा कैसे दे पाएंगे? क्योंकि वक्त का तमाचा पड़ता है, उसकी छाप जिंदगी भर तक गाल पर छपी रहती है। नमस्कार।